भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई का आरोप है कि भोपाल के माखनलाल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के साथ अनियमितताएं और फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं। और कल एक प्रेस नोट में उपराष्ट्रपति के नाम कुलपति केजी सुरेश के द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ त्रुटि हो गई थी, जिसके विरोध में एनएसयूआई के सदस्यों ने कुलपति केजी सुरेश के विरोध में नारेबाजी की, साथ ही समस्याओं का निराकरण न करने पर यूनिवर्सिटी में उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे दी। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि तकरीबन एक घंटे के प्रदर्शन करने के बाद एनएसयूआई की समस्याएं सुनने के लिए कुलपति तो नहीं लेकिन रजिस्ट्रार अविनाश वाजपेयी छात्रों के बीच पहुंचे। रजिस्ट्रार और छात्रों के बीच क्या संवाद हुआ, आइए देखते हैं। नहीं हुई, अभी हम मांग करते हैं कि दोषियों आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द सजा हो। वहीं नहीं है, जो कुलपति द्वारा फर्जी नियुक्तियाँ किया जा रही हैं उन पर रोक लगाए और जिन लोगों की नियुक्तियाँ की गई है फर्जी तरीके से, जो कि यहाँ पे फर्जी नियुक्तियाँ हो रही है। वहीं नहीं, यहाँ पे माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति को ये तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं मालूम। उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कि उन्हें मुलाकात करना बताया। हम मांग करते हैं कि जो विश्वविद्यालय छात्र वो पत्रकारिता की पढ़ाई करा रहा है, ऐसे में इन लोगों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। ये छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द यहाँ हमारी मांगे नहीं मानी गई और सुधार नहीं किया गया विश्वविद्यालय में, तो एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। भटकना पड़ता है, आप नए कैंपस में लगातार आयोजन करवा रहे हैं, लगातार आरएसएस से जुड़े हुए वहाँ पे कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं के लिए वो कैंपस नहीं खुला है। आखिर वो कैंपस आरएसएस के लिए बनाया है क्या आपने? वो छात्र छात्राओं के लिए क्यों नहीं बनाया गया? जो नए छात्र छात्रा आए हैं केवल छात्र हैं, उनको हॉस्टल्स की दिक्कत हो रही है सर। केवल बॉयज हॉस्टल यहाँ पे नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इंटरव्यू भी दिया, कई लोगों ने अप्लाई किया और उसके बाद विधिवत पूरी चयन प्रक्रिया अपना कर उनका सिलेक्शन किया गया और वो टेम्परेरी 6 माह के लिए सिलेक्शन किया गया। सर आपने वेबसाइट की बात की, सर बताइए वेबसाइट भी खुद हम एंट्री में ऑनलाइन में जाते हैं और हम देख करते हैं ट्रैफिक वहाँ जैम लगा होना चाहिए, ये भी जानकारी नहीं है। mc.ac.in किसका वेबसाइट है? ऑनलाइन में जाना पड़ता सर। mc.ac.in अभी मोबाइल खोलिए जाइए। वो सर है, वो यूनिवर्सिटी का है, पर पे करने के लिए सर एंट्री ऑनलाइन नहीं जाना पड़ता। ये तो पोर्टल आपको किसी के तो करना पड़ेगा ना सर, खुद का नहीं कर सकते और शीघ्र ही आपको सबको डेढ़ साल में। ये लाइब्रेरी कार्ड बनने में 2 महीने लगे हैं हम लोग।